अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मेघना एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्टील सेक्टर के बारे में है। मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्टील सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड हैं, उनमें से कौन सी डिफॉल्टर में हैं, कौन सी एक्टिव हैं, उनके करंट रेट क्या हैं, वो क्या पे आउट देती हैं और इकोनॉमी में अभी स्टील की क्या डिमांड है और पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो किस नंबर पर आता है स्टील प्रोडक्शन में और ये किन किन सेक्टर्स में ये जो स्टील होता है वो यूज़ होता है प्रोडक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 9 कंपनी लिस्टेड हैं स्टील सेक्टर में, उनमें से एक जो है दोस्त स्टील वो डिफॉल्टर में है। और पहले नंबर पे आती है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आयशा स्टील मिल्स, आगा स्टील, इंटरनेशनल स्टील्स, इत्तफाक आयरन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अम्ब्रेला स्टील्स लिमिटेड, बीको स्टील लिमिटेड एंड क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो ये 8 कंपनीज हैं जो अभी एक्टिव हैं और इसमें ट्रेडिंग भी होती है और इनमें से जस्ट एक ही कंपनी है जो डिविडेंड नहीं देती, बाकी सारी कंपनीज डिविडेंड देती हैं, मीन्स करंटली नहीं दे रही लेकिन वो देती आती हैं। स्टील प्रोडक्शन पाकिस्तान टोटल प्रोड्यूस करती है 0.18% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। अब दुनिया में 50 कंट्रीज़ हैं जो स्टील प्रोड्यूस करती हैं तो पाकिस्तान 39th पोजीशन पे आता है, मींस 39th पोजीशन पे, और ये 0.18% जो स्टील है वो प्रोड्यूस करती है। ये हमें हमारे पाकिस्तान में डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इम्पोर्ट ऑफ स्टील्स जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है पाकिस्तान के जो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी डिमांड इंक्रीज हो गई है स्टील की। तो इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तान में फ्रॉम 2008 टू 2018 क्या हुआ था कि स्टील की जो डिमांड है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि वो जो पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो गई थी। दैट्स वाई जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो गई थी, कमोडिटीज़ में इंक्रीज़ हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन में हो गई थी, डिफेंस में हो गई थी, ऑटोमोटिव में हो गई थी, अप्लायंस सेक्टर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपेंशन में, और इवन ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो बिल्डिंग वगैरह बनती हैं तो उनमें भी इंक्रीज़ हो गया, और ये सीपेक का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई। ये जो रिपोर्ट है वो ली गई है द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी एनुअल रिपोर्ट 2018 से। स्टील प्रोडक्शन पाकिस्तान, द स्टील इंडस्ट्री डिलीवर सेंशन पुट्स फॉर द कंट्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, ये मेन रोल प्ले करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। स्टील इंपॉर्टेंस इन अदर सेक्टर, वो जो स्टील की जो इंपॉर्टेंस है वो दूसरे सेक्टर्स में भी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, मशीनरी में, मेटल प्रोडक्ट, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस में। और स्टील जो है वो टू जो उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ये स्टील कंप्राइजेस ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, वन इज आयरन ओर और दूसरा होता है रिसाइक्लेबल स्टील। अब ये जो एक होता है स्क्रैप स्टील, ठीक है, जो कंपनीज होती हैं जो स्टील मैन्युफैक्चर करती हैं पाकिस्तान में वो बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं। तो क्या होता है कि अगर स्क्रैप स्टील की जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज़ हो जाती हैं तो इनके जो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स होते हैं, कंपनी की जो अर्निंग्स होती हैं उसमें भी इम्पैक्ट होता है, और इवन मार्केट में PSX में जो भी कंपनी लिस्टेड हैं तो उनके जो शेयर प्राइस होता है उस पर भी इम्पैक्ट होता है। द स्टील इंडस्ट्री इज़ फैक्टर इंटेंसिव, द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील रिक्वायर्स लार्ज फैक्ट्रीज। अब आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्रीज चाहिए होती है, आयरन और एनर्जी और लेबर भी, और इसका बहुत हाई कॉस्ट होता है। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, उनका रिटर्न जो होता है ना वो कम होता है, तो उनको बहुत मुश्किल होता है कि द हाई कॉस्ट या लो रिटर्न मेक इट डिफिकल्ट फॉर न्यू इन्वेस्टर टू एंटर द मार्केट। इनकी जो इंडस्ट्री होती है, जो स्टील इंडस्ट्री होती है, इनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, रिटर्न बहुत लो ही होता है, और इनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि ये एक इन्वेस्टर्स को जो है ना वो कैच करें मार्केट में। वर्ल्ड स्टील प्रोडक्शन कंजप्शन आर डोमिनेटेड बाय चाइना। अब चाइना जो होती है वो ज़्यादा कंजप्शन और प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी करती है और कंज्यूम भी करती है जो स्टील होता है, कम से कम 53-51% इनका जो है ग्लोबल प्रोडक्शन कंजप्शन में इनका वो है शेयर है।
इन द डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान स्टील सेक्टर इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। हाँ, पाकिस्तान जो है वो हमारा एक डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है, तो यहाँ पे भी स्टील सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो अभी प्रोग्रेस कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आ रहा है, कंस्ट्रक्शन में भी ये स्टील काम आता है। पाकिस्तान इज एन इंपोर्टर ऑफ रॉ आयरन एंड स्टील स्क्रैप। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है स्टील स्क्रैप और रॉ आयरन भी। द मेजर रॉ मटेरियल यूज इन स्टील प्रोडक्शन, ये एक मेजर मटेरियल होता है जो स्टील प्रोडक्शन में यूज आता है। और पाकिस्तान जो होता है वो आल्सो इंपोर्ट करता है फिनिश्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट। और स्टील एंड सीमेंट सेक्टर हैव अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अब स्टील और जो सीमेंट सेक्टर होता है, इन दोनों इंडस्ट्री के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, क्योंकि जब प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में या कोई बड़ा कोई फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है जब कंट्री में, तो स्टील और सीमेंट ये दोनों मोस्टली एक यूज मटीरियल होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जितनी भी कंपनीज PSEX में लिस्टेड है उनका अभी करंट रेट क्या है और ये पे आउट देती हैं कि नहीं देती हैं। तो पहले नंबर पे आती है मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका शेयर प्राइस मार्केट में 89 है। और इसने 2022 में भी फरवरी 17 को इन्होंने 3 रुपीज का डिविडेंड दिया था। उससे पहले भी ये कंपनी आप देख सकते हैं 2021 में भी 2 बार इसने डिविडेंड दिया, 2019 में भी दिया, 2018 में भी। आशा स्टील मिल्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट शेयर प्राइस 13.85 है और इन्होंने पे आउट अक्टूबर 2021 को 2 रुपीज का डिविडेंड दिया था। उससे पहले इस कंपनी ने बहुत सारा डिविडेंड नहीं दिया था, 2020 में नहीं दिया था, 2019 में भी नहीं, 2018 में भी नहीं, 2017 में दिया था 2 रुपीज का डिविडेंड और 10 रुपीज का जो है प्रीमियम। और आगा स्टील मिल्स थर्ड पे आती है, जिसने 2021 में जो इन्होंने 0.5% का इन्होंने जस्ट बोनस दिया था और उससे पहले इन्होंने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। इंटरनेशनल स्टील मिल लिमिटेड, जिसका मार्केट शेयर प्राइस 62 है और ये हर साल अपने शेयर होल्डर्स को पे आउट भी देती है। जनवरी 31, 2020 को इस साल पे भी इस कंपनी ने 2 रुपीज़ का डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को और 2021 में भी 2 बार इन्होंने डिविडेंड दिया था, टोटल 10 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड दिया था। इत्तफाक आयरन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 9.85 है, इन्होंने 2018 में जस्ट 0.5 रुपये का डिविडेंड दिया था और 10% इनका बोनस आया था। उससे पहले या उसके बाद कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, ना ही कंपनी ने कोई बोनस दिया था। अमरेली स्टील मिल्स लिमिटेड, शेयर प्राइस 31.50, इन्होंने पे आउट 2018 में 2 रुपीज का इन्होंने डिविडेंड दिया था। उससे पहले भी ये डिविडेंड दे रही थी 2016 और 2017 में, लेकिन उसके बाद इन्होंने कंपनी ने डिविडेंड देना बंद कर दिया है। फिर आती है बीको स्टील मिल्स लिमिटेड, जो कि कोई डिविडेंड नहीं देती अपने शेयर होल्डर्स को, उसका करंट मार्केट शेयर प्राइस 17.71 है। क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, शेयर प्राइस 42, इनका जो करंट मार्केट शेयर प्राइस है 42 है और ये पे आउट देती है 2018 में इन्होंने अपना डिविडेंड दिया था, 2018 में 2 बार इन्होंने दिया था, 2017 में इन्होंने 4 बार दिया था, लेकिन 2018 के बाद इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी वीडियोस इन फ्यूचर मिस ना हो जाए। तो इस चैनल के बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।